हरि हंस सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जाने राग ते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को ऊंचाई है। धन धन तिन ही से काज सब आज भये कर जोड़े बारे मारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुखे सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। छत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जीवंद्र कुमार के राजा बनने के उपरांत सारे नगर में खुशहाली का वातावरण छा गया और न केवल खुशहाली का वातावरण था, सभी लोगों के अनुकूल व्यवस्थाएं भी जीवंद्र कुमार के माध्यम से कर दी गई। उनके माता पिता, उनके भाई, उनके मित्र, उन सबको योग्य पदों पर, योग्य स्थानों पर उन्होंने आसीन किया और पत्नियों को भी बुलवा लिया गया। वे पत्नियां जिनको छोड़ छोड़ करके आगे बढ़ते चले गए थे, अब उन्हें यहाँ बुलाया, वे अत्यंत प्रसन्न हुई और एक और अंतिम विवाह कल यहाँ संपन्न हो गया था। आज चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ विशेष प्रसन्नता जीवंद्र कुमार की, 11वां लंब है, 503 नंबर पेज है। जीवंद्र कुमार के विशेष प्रसन्नता का कारण, ये इस ग्रंथ का अंतिम लंब है ना। देखें कितना शीघ्र अपन इस ग्रंथ को संपन्न कर पाते हैं। फिर अपन अच्छा ग्रंथ चला अध्यात्म का, ये प्रथमानुयोग की कथा चल रही है, अब हो ही गई कहानी तो पूरी। अब अथ राज्य श्रिया लब्ध्वा लक्ष्मणामोदे कृति चिरकांक्षी क्षत लाभे तृप्ति स्यादतिशायिनी। इसके अनंतर विद्वान राजा जीवंधर कुमार राज्य लक्ष्मी के साथ लक्ष्मणा को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुए। दो स्थानों को उन्होंने प्राप्त किया, राज्य लक्ष्मी भी प्राप्त हो गई और लक्ष्मणा नाम की जो ये नई विवाहित स्त्री है वे भी प्राप्त हुई। तो दोनों को प्राप्त करके वे अत्यंत प्रसन्न हुए। निश्चय से चिरकाल की चाही हुई वस्तु की प्राप्ति होने पर ही अत्यंत प्रसन्नता होती है। ये नीति है कि भाई आप जिस वस्तु को, जिस पदार्थ को बहुत चाहते हो और बहुत लंबे समय से उसकी प्रतीक्षा हो, आज उसके मिल जाने पर आपकी प्रसन्नता बहुत होती है। प्रतीक्षा के कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, ये इसी संदर्भ में की गई सूक्ति है। इंतजार का फल अच्छा होता है, इंतजार के बाद वो आनंद विशेष प्राप्त होता है। तो जिस वस्तु को आप चाह रहे थे वो मिल गई तो बहुत प्रसन्नता हुई। जीवंदर कुमार जब अपने गुरु आर्यनंदी से पढ़ते थे, आर्यनंदी गुरु थे ना इनके, आर्यनंदी नाम के गुरु जिनको भस्मक रोग हो गया था और जीवंदर कुमार द्वारा एक ग्लास भोजन देने से उनका रोग दूर हो गया था, फिर उन्होंने प्रत्युपकार की भावना से जीवंदर कुमार को पढ़ाना शुरू किया था और जीवंदर कुमार की शिक्षा पूरी हो जाने के पश्चात उन्होंने फिर अपनी ही कथा जीवंदर कुमार को सुना दी और फिर कहा कि तुम्हें ये सब कैसे पता, तो फिर सारी बात बतलाई उन्होंने
कि तुम राजपुत्र सत्येंद्र के राजा सत्येंद्र के पुत्र हो, वो पता लग गई थी। तो जीवंधर कुमार को इस बात का पता अपने बचपन में ही लग गया था। शिक्षा पूर्ण होने पर कुमार अवस्था होगी, 17-18 साल के होंगे, नहीं शादी का तो सवाल ही नहीं है, शिक्षा चल रही थी। अब उस समय से ये राज्य मेरा है, गुरु के कहने पर कुछ बोले नहीं, शांत रहे, किसी को बात बतलाई नहीं, लेकिन मन में ये भावना तो तीव्र चल रही थी कि ये राज्य मेरा है, मुझे प्राप्त कब होगा। और ये भावना उनकी कब पूरी हुई, माने बरसों लग गए उसे पूरा होने में, और इतने लंबे काल प्रतीक्षा के बाद अपनी वो चिर प्रतीक्षित भावना जब पूर्ण हो गई तो उनकी प्रसन्नता अपार होना स्वाभाविक ही है। देखिए सरल अर्थ, जीवंधर कुमार राज्य लक्ष्मी के साथ ही पत्नी लक्ष्मणा को प्राप्त कर अतिशय आनंदित हुए, क्योंकि चिरकांक्षित कांक्षा माने इच्छा, कांक्षा माने ग्रहण करने की इच्छा को कांक्षा कहते हैं। चिरकांक्षित, चिर माने लंबा समय, चिरंजीव बोलते हैं अपन, चिरंजीव रहो तो चिरं चिरायु हो, तो चिर आयु मतलब, चिर मतलब बहुत लंबे समय तक, आयु मतलब आपका जीवन, आपका जीवन बहुत लंबा हो तो चिरायु हो, चिरंजीव रहो बहुत लंबे समय तक जीवित रहो, चिर मतलब लंबा समय, ये चिर है, चीर नहीं, चीर माने तो कपड़ा होगा, वस्त्र होगा, चीर हरण प्रसिद्ध है ना, तो चीर माने वस्त्र और चिर माने लंबा काल। तो ये कह रहे चिर कांक्षिणी, चिर कांक्षित, लंबे समय से जिसकी इच्छा थी उस वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर प्रसन्नता होना स्वाभाविक ही है। देखिए विशेषार्थ में, इच्छित वस्तु की प्राप्ति से सुख होता है, यह उपचरित कथन है। अब ये बात को मार्मिक कहेंगे, क्योंकि सच्चाई तो यह है, वस्तु की प्राप्त होने में सुख कहाँ है, जगत में कोई वस्तु तुम्हें सुखी दुखी कर नहीं सकती है ना, तुम ऐसा कैसे सोच रहे हो कि इस वस्तु के मिल जाने से मैं सुखी हो गया, उपचार से कथन है मैं। वस्तु का आना और वस्तु का चले जाना ये तो अपनी योग्यता से होता है, वस्तु अपनी योग्यता से आएगी, अपनी योग्यता से चली जाएगी, उस वस्तु के आने पर जो तुम्हें किंचित अंदर में संतुष्टि अनुभव हुई उस संतुष्टि को सुख कहना ये भी उपचार कथन है। ये देखो बता रहे हैं, वास्तव में सुख का कारण तो कषायों का घटना है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ अध्याय 3 और अध्याय 4, मेरा मन है इसको जल्दी से पूरा करके मोक्ष मार्ग प्रकाशक 4th चलाने का, टोडरमल जी का ये 300वां जन्म शताब्दी वर्ष, 300वां जन्म वर्ष और 3 शताब्दी वर्ष चल रहा है, प्रारंभ हुआ है अभी समझ लो आप। तो अपने इसमें टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का अध्ययन करें, उनकी कृतियों का और उनके जीवन का बारीकी से परिचय करें, ऐसी भावना है। देखो महीना भर तो कम से कम लगेगा, महीना डेढ़ महीना तो मामूली बात है इसको चलने में, 60 है तो अब देखो जो भी चलेगा जैसा, गति तो पकड़ ही रखी है पिछले कुछ समय से, जहाँ प्रसंग आएगा बस वही चर्चा करेंगे, बाकी तो कथा आती है तो अपन फास्ट बढ़ते ही है। देखिए क्या कह रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 3 और 4 अध्याय में, इस बात को बहुत फूला है कि तू अपनी कषाय से दुखी है, अपने राग से दुखी है, अपने मोह से दुखी है, तेरी अपेक्षा तेरे दुख का कारण है, तुझे ये अपेक्षा है कि इनका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, तुझे ये अपेक्षा है इसे ऐसा कहा जाना चाहिए,
तुझे ये अपेक्षा है, इसको ऐसा बोलना चाहिए। तो ये जो तेरी अपेक्षा है, ये तेरी खुद की अंदर में ये तेरा कषाय भाव है, राग और मोह भाव है, ये तेरे दुख का कारण बनता है। इस बात को बहुत विस्तार से टूडरमल जी ने सिद्ध किया है। वस्तु का आना और जाना ये अलग मैटर है, तूने उसको प्राप्त करने की चाह रखी थी ना, तो ये जो चाह और चाह की कमी, पता है क्या प्रूफ सिद्ध किया उन्होंने? तो फिर साहब चाह तो दुख का कारण है, फिर ये वस्तु के मिल जाने पे सुख क्यों हुआ? कषायों से ही यदि सुख दुख का संबंध है तो फिर ये वस्तु की प्राप्ति हो गई, राज्य मिल गया, ये सुख क्यों हुआ? कि सुनो, वस्तु के प्राप्त करने की इच्छा में कषायों की तीव्रता होती है, आकुलता तीव्र होती है, मिल जाए प्राप्त हो जाए, उसकी बहुत तीव्र इच्छा रहती है। तो आकुलता के कारण दुख बहुत होता है कषाय की तीव्रता से, और वस्तु के प्राप्त हो जाने पर तत्संबंधी कषायें कुछ मंद होती है। क्या सब समझ में आ रही है कोई बात? कि मुझे ये चीज चाहिए और ये चीज प्राप्त करने की इच्छा थी, क्या मुझे तो लड्डू चाहिए, मुझे लड्डू खाने, डोसे की भी बात कह सकते हो आप, माने ये जो आपकी इच्छा है, आज तो बाटी दाल बना लो, आज तो चूरमा बना लो, मिश्री मावा खाने का मन हो रहा है, तो ये जो मन में इच्छा है, 3 दिन हो गए यार, मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रहा है, पकौड़ियाँ क्यों नहीं बना रहे, ये 3 दिन से कह रहे हैं अपन, तो अब ये जो इच्छा चल रही थी, काम हो नहीं रहा है, ये तो कष्ट। अब जैसे ही वो काम हो गया, अब काम होने पर उस संबंधी आकुलता अब भी है क्या? नहीं होगी, वो तो नया दुख है, लेकिन उस वस्तु और उस विषय की प्राप्ति संबंधी जो आपकी आकुलता और कषायों की मंदता हुई है, ये मंदता क्या था? उस मंदता में सुख, सच्चा सुख तो नहीं है उसमें, सुख तो नहीं है, लेकिन टोडरमल जी ने ऐसा उदाहरण दिया उसके लिए, जैसे कोई व्यक्ति अपने दाहिने कंधे पर वजन रख करके ले जा रहा था, अब उसे दुखने लगा, दर्द होने लगा, तो उसने क्या किया, इधर से इधर ले लिया, अब इधर ले लिया, तो बताओ अब दुख मिटा के नहीं मिटा? क्या अभी अभी इधर ज्यादा चालू नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर तो लेकर के चल सकता है, इधर इधर रख सकता है, तो बोला दुख मिटा के नहीं, कि बस ट्रांसफर हुआ है, वजन को इधर से इधर ट्रांसफर किया है, और उस दुख और आकुलता की मंदता में ये जीव सुख समझ लेता है, वास्तव में सुख है नहीं, घटती दुख को, घटती आकुलता को सुख मान लिया, आकुलता की कमी को इसने सुख मान लिया, वास्तव में वो सुख है नहीं। वहां खूब विस्तार से बहुत मजा आता है मोक्ष मार्ग प्रकाशित ग्रंथ को पढ़ने में, उसके वाक्यांशों को दोहराने में, क्या गजब वर्णन किए हैं उसमें। यद्यपि ज्यादा पुराना समय नहीं हुआ भी अपने को, कब पूरा किया भी अपन ने, 5-2 साल 3 साल हो गए कि कितना, 3-4 साल हो गए, इसके बाद में हाँ उनके पास लिखा हुआ होगा, अच्छा हाँ उसके पहले हुआ है, 2016 में खत्म किया है अपन ने, देखो आप लास्ट में वो खत्म हुआ, बिजी चल रही थी, 2016 में खत्म किया है और 20 में वापस शुरू कर दिया, 15-16 में चल रहा था ये, इसलिए स्पष्ट पता लग गया क्योंकि वो खत्म करने के बाद में फिर करीब 1-2 महीना तो चली, वो 1.5-2 महीना तो रहस्य पूर्ण चिट्ठी, और करीब 12-15 प्रवचन किए अपन ने समाधि मरण के स्वरूप पर, बाद में परिशिष्ट थे ना, और ये सब खत्म करने के बाद में फिर अपन ने 15 मार्च से शुरू कर दी अपन ने बालबुद्ध, उसके बाद चला ये 2017 में। चलिए खैर कोई बात नहीं, तो क्या कह रहे हैं यहाँ, देखे वाक्य पढ़े हैं, क्या मार्मिक बात कहना चाहते हैं, अनादि काल से किसी भी जीव को परद्रव्य से आज तक सुख अथवा दुख कभी नहीं हुआ,
क्या अनादि काल से आज तक ये परमानेंट नियम है, किसी भी वस्तु से सुख भी नहीं होता, किसी भी वस्तु से दुख भी नहीं होता, जगत का कोई भी पदार्थ सुख का कारण भी नहीं होता, जगत का कोई भी पदार्थ दुख का कारण भी नहीं होता, कोई भी वस्तु। आप देखिए सर के बाल सफेद दुख का कारण है कि सुख का, चांदी आ रही है बोलो, दुख का कारण है कि सुख का, दुख का कारण है बुद्धि बढ़ गई ना। अब लोग वो काले करने में लगे रहते हैं, आए दिन लोगों को ऐसे लगता है काले कर लो इनको, काले कर लो इनको। अरे भाई हम आपसे पूछते हैं आपके सर में जो सफ़ेद बाल थे वे सफ़ेद बाल आपको कितनी तकलीफ दे रहे थे, उससे दर्द कितना हो रहा था। जब जैसे जैसे बाल सफ़ेद आते हैं तो सर दर्द होना शुरू होता है क्या है? बालों की सफ़ेदी से सर दर्द होता है क्या? नहीं। तो तकलीफ क्या होती, पीड़ा क्या है? खाम खाम का दुख है बस, खाम खाम का दुख। अब ये परेशान होता रहता है। सारे दुख जितने जगह पर आप दुख देखेंगे उनमें आपको 90% दुख सिर्फ काल्पनिक दुख होंगे, जहां दुख का अस्तित्व मात्र भी नहीं होगा, काल्पनिक। इनके पास में इतनी महंगी गाड़ी, आपको दुख किस बात का है? काल्पनिक। मेरे पास नहीं। क्या इनके पास में इतने महंगे महंगे जेवर, तकलीफ किस बात की है आपको, ये तो बताओ, पीड़ा किस बात की है? काल्पनिक। चेहरे पर निशान हो गया, तकलीफ का ही बात की है? चेहरा काला पड़ गया, क्या दुख किस बात का है? खाम खाए हैं, सोच सोच करके दुखी हैं, विचारों से दुखी हैं अपने। अब बस विचार करता रहता है क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, इनको कैसा लग रहा होगा, इनको कैसा लग रहा होगा। किसी को कुछ नहीं लग रहा है क्या? किसी को कुछ नहीं लग रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, ये टोलिया जी के सर पे बाल थोड़े से कम हुए ना पहले से, अब आपको चिंता होती थी इस बात की, आपको कभी लगा कि इनके बाल कम है? नहीं नहीं लगते, मैं सही कह रहा हूं मैं, ये बिल्कुल हकीकत है। व्यक्ति खुद ही खुद को देख देख करके काम काम में दुखी होता है, लोग क्या सोचेंगे, लोग किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते। क्या बोलो अरुण जी भाई साहब, आप बाल काले नहीं करते, आपके बाल सफेद होना शुरू हुए, हो सकता है आपके घर में बात आई हो कि काले कर लो इनको, कई बार कहा देखो। तो अब आपको कई बार कहा तो अब बुरे किसको लग रहे हैं? आज भैया बोलो, आपको इनके बाल सफेद देख करके बुरे लगते हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूं, किसी के भी किसी भी अवस्था को देख करके कोई व्यक्ति कुछ नहीं सोचता है, ये खुद ही आईने के सामने खड़ा खड़ा सोचता रहता है, मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। अलग अलग एंगल से देखता है। तेरे ये काल्पनिक नहीं है क्या साहब? प्रैक्टिकल सोचो थोड़ा सा, किस किस किसको क्या बुरा लग रहा है तो है, अब किसके बारे में कौन क्या बात करता है? कोई नहीं कहता है, लेकिन विचार खाम खाम का है। कोई कुछ नहीं कहता है। कितना सुंदर इन्होंने वाक्य दे दिया, अनादि काल से किसी भी जीव को, निगोदिया हो, एक इंद्री, दो इंद्री, कोई भी जीव लगा लो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, बिजनेस करने वाले हो, जॉब पर हो, किराएदार हो, मकान मालिक हो, कोई भी काम करते हो, घर गृहस्थी वाले हो, बच्चे हो, नहीं हो, सामने जवाब कोई भी हो, दुनिया में कैसी भी परिस्थिति वाले हो, अनादि काल से आज तक किसी जीव को परद्रव्य से सुख अथवा दुख कभी नहीं हुआ ही नहीं। तो फिर साहब दुखी तो है, बात तो सच्ची, ये दुखी तो है, लेकिन तू जिसको दुख का कारण मान रहा है वो तेरे दुख का कारण नहीं है। जिसको तू ये समझ रहा है कि मैं इस वजह से दुखी हूं, ये तेरे दुख का कारण नहीं है।
तो गलती से, अपने भ्रम से, अपनी गलत फहमी से उसको दुख का कारण समझ रहा है। ये तेरी बहुत बड़ी गलती है, सुधार भी यही करना है। गलती कहाँ हुई ये बतलाओ, बाल सफेद होना शुरू हो गया, गलती कहाँ हुई ये सोचता है, यहाँ गलती हुई है, ये सफेद हो रहे हैं ना, यहाँ गलती हो रही है तो यहाँ सुधारता है। हाँ समझ रहे हो, गलती यहाँ समझता है तो यहाँ सुधारता है, लेकिन गलती यहाँ नहीं है, गलती यहाँ नहीं है, गलती इसके अंदर है। समझ रहे हो आप, अब है तो दिमाग में है, तो अपनी सोच में, तो वहां तो सुधारता नहीं है, और जहां इसको महसूस होती है वहां सुधारने की कोशिश करता है। अब क्या होगा बताओ, क्या करें, कांच को साफ कर रहा है चेहरे को साफ नहीं कर रहा है, ऐसी हालत है सच में। देखिए वर्तमान काल में भी नहीं हो रहा है, भविष्य में भी नहीं होगा। तीन वाक्य कह दिए, परद्रव्य ने तुझे आज तक कभी दुखी किया नहीं है, परद्रव्य तुझे वर्तमान में दुखी कर रहा नहीं है, परद्रव्य तुझे भविष्य में कभी दुखी कर सकता नहीं है। क्या इसलिए आप देख देख करके, अपने कपड़े देख करके, अपने मकान देख करके, अपनी गाड़ी देख करके, किसी भी चीज को देख देख करके आप दुखी होते रहते हो, ये दरार पड़ गई है, ये यहाँ से चूना गिरने लग गया है, इसका ये हो गया है, सोचता रहता है, दुखी होता रहता है, और निकल करता रहता है, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, लोग आते हैं तो अच्छा नहीं लगता। क्यों भाई साहब, आपके घर में कितने लोग आए, कितने लोगों ने कहा कि साहब आपकी दीवार अच्छी नहीं लग रही। खुद ही सोचता है, किसी को फुर्सत ही नहीं है। और व्यक्ति आपके बारे में बात करे कि खुद के बारे में सोचे, बोलो लोग क्या सोचते हैं, यदि ये भी आप सोचोगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। जो जो चीज लोग सोचते हैं उसको तो तुम मत सोचो, जो लोग सोच रहे हैं वो लोगों को सोचने दो, वो बात अपन अपना काम करें, लोगों का काम जो कुछ भी सोचना है तो सोचने दो। और सच्चाई ये है वो नहीं सोच रहे हैं। जिस तरह से आपके सफेद बाल मुझे कष्ट नहीं दे रहे, जिस तरह से आपके चेहरे पर निशान पड़ गया तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होता कभी भी, क्या जिस तरह से आपका कोई दांत टूट जाने पर आपको तो बुरा लग रहा है, मुझे बुरा नहीं लग रहा है, टूट गए तो टूट गए, अपन क्या करें। लेकिन खुद ही सोच सोच करके, नहीं संजीव जी क्या सोच रहे होंगे मेरे दांत टूट गया, कुछ नहीं सोच रहे, तो काम सोच रहा है। ऐसा ही स्वरूप है, भूतकाल में भी नहीं, वर्तमान में भी नहीं, और भविष्य में भी नहीं होगा। ये सिद्धांत है, ये आगम वचन है, ये भगवान महावीर स्वामी की वाणी है, ये यथार्थ वस्तु स्थिति का प्रतिपादन कर रहे हैं। लेकिन ये बातें मिलती नहीं है लोगों को, ये बातें सोचते नहीं है, इन बातों के बारे में चिंतन करते नहीं है, तो फिर इसलिए उनका दुख दूर होता नहीं। देखिए फिर क्या कहा, ऐसा ये जो बातें कही है, जो तीन वाक्य कह दिए हैं, अनादि काल से परद्रव्य से आज तक सुख भी नहीं हुआ अथवा दुख भी नहीं हुआ। अभी अपन ने दुख दुख की बात की, अब इसके उल्टा लगा करके सुख लगा करके देख लो, किस किस से सुख मिल रहा है आपको, आपको जहां जहां सुख मिलता होगा दिखाई दे रहा है। अच्छा 1 करोड़ रुपया हो तो सुख होगा कि नहीं होगा, बोलो 1 करोड़ से बढ़कर के 1.5 करोड़ हो जाए तो सुख होगा कि नहीं होगा। एग्जाम में 90% नंबर आए तो सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो आपको कितनी इनकम चाहिए, क्या कितनी चाहिए, ये साहब हमारे को 5 लाख रुपया महीना चाहिए, अब तक तो खुश हो, संतुष्ट क्या, इतना चाहिए आपको, आपने सोचा ऐसा मान लीजिए, अब सुनो तो सही, अब आपको ये लग रहा है कि 5 लाख रुपया महीना मिले तो मैं सुखी हो जाऊं, ठीक है डन, 5 की जगह आपको 5.5 लाख रुपया महीना चालू हो गया, अब तो खुश है, क्या हाँ खुश होंगे बिल्कुल। लेकिन सुनो तुम्हारे जो बगल वाला था ना, जिसमें योग्यता बिल्कुल नहीं थी, जब जब तुम्हारे 70% आते थे तो उसके 50% नंबर आते थे, तुमसे हमेशा 2 कदम जो पीछे रहता था, तुम्हारे योग्यता में कहीं वो बराबर फिट नहीं बैठता है,
अब उसको मिल गए 7 लाख रुपया महीना। अब बोलो आपको 5 की जगह 5.5 मिल रहे हैं, आप कितना सुखी हैं? सुख तो काफूर हो गया यार, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? इसका मतलब 5 हो या 5.5 हो उसमें सुख नहीं है। अच्छा चलो 7 हो जाए तब तो सुखी हो जाऊंगे क्या? अब 7 कर दे फिर तो सुखी हो, 10 कर दे के पास। वो प्रसिद्ध है ना एक कथानक, सुना है कि भाई तेरे को जितना, तेरे को ऐसा रत्न दे दिया, तुझे जो चाहिए जितना चाहिए वो तुझे मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त है कि जितना तेरे पास में मिलेगा उससे डबल तेरे पड़ोसी को मिलेगा। बोलो आग फोड़ ले, क्यों मैं कि अब ये जो भी करता है तो ये एक गाड़ी मांगता है तो गाड़ी तो आ जाती है, सामने वाले को 2 आती है। अब बोलो क्या करें? तुम्हें एक चीज चाहिए, जितनी चाहिए उतनी ले लो, तुम्हें 5 तो उनके 10, तुम्हें 25 तो उनके 50। अब क्या करें? इतना परेशान हो गया कि यार ये अच्छा रत्न मिल गया, मैं तो मुसीबत में फंस गया। अब वो ऐसी खुरापात सूझी उसको, ये क्या करें? हे रत्न मेरी एक आंख फूट जाए तो क्या होगा? पड़ोसी की दोनों फूट जाएगी। मतलब मैं एक तो लूंगा वो देखिए भाई, ये जो है इस व्यक्ति को कहीं शांति नहीं, ये कहीं सुखी नहीं है, ये दुखी है। अपनी सोच, अपनी मान्यता, अपने विचार, अपनी विपरीत श्रद्धा, इससे दुखी है। कोई भी वस्तु अनादि काल से एक भी वस्तु ने आपको तकलीफ दी नहीं है। इंजेक्शन लग रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, ये हार्ट की प्रॉब्लम तकलीफ नहीं देती। ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई, बड़े दादा की तो ब्रेन हेमरेज हो गया, बोलो कोई तकलीफ नहीं? वही मुस्कुराहट, वही सहजता उनके जीवन में। कैसा जीवन है देखो आप, हर परिस्थिति में सहज। परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो, किसी सहज रहने वाले व्यक्ति को दुखी करके बताओ। जिस व्यक्ति को सहज रहने की कला आ गई है उस व्यक्ति को कोई दुखी करके बताए, कैसे करोगे दुखी? आपने बिगड़ करके ये कहा मोबाइल छीन लेंगे तुम्हारा, निकालो तुम्हारा जो कुछ भी देना है, और आपने मुस्कुराते हुए दे दिया, क्या करें इसके दुखी करने के लिए? कपड़े फाड़ने लग जाए तुम्हारे। और जो व्यक्ति ये कह रहा है कि तुम देह का वियोग भी करो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, अब उससे क्या छीन लो तो तकलीफ होगी? बोलो, सहज रहते हैं ज्ञानी जीव, ये सम्यक दृष्टियों का चिंतन बतला रहे हैं। ऐसा सम्यक दृष्टि का पक्का निर्णय है। क्या वाक्य लिखा है यहां? 3 वाक्य दे दिए भूत वर्तमान और भविष्य के संदर्भ में, फिर कह दिया ऐसा इस प्रकार का सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों का पक्का निर्णय है, और सच में वे अपने निर्णय की वजह से सुखी है। आपने जब निर्णय कर लिया तो आप दुखी नहीं हो सकते। आपने ये निर्णय कर लिया, देह रहे तो रहे और जावे तो जावे, आपको ये पक्का निर्णय हो गया। बोलो, अब डॉक्टर ने आपको कैंसर बता दिया, 4th स्टेज पर, लास्ट स्टेज पर है, आज तक हमने दिखाया नहीं था, अब चेक कराया और आज वो डायग्नोस हुआ, अंतिम स्थिति में है और आपका जीवन 2 महीने से ज्यादा नहीं है। आपको तो निर्णय है पहले से, अब किस बात की तकलीफ है? हमारे जो ये वचन है लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, ये वचन जब निकले हैं अंदर से तो ये कहने के लिए नहीं है, ये सच में है। इतनी दृढ़ता है अंदर में। जुगल किशोर जी मुख्तार साहब की पंक्ति आए ना, मेरी भावना की, वो अंदर से जब ये वचन निकले होंगे तो वो दृढ़ता कितनी होगी? बोलो, बड़े दादा ने जो अपनी पुस्तकें लिखी उसमें जो अपना चिंतन प्रस्तुत किया, वो चिंतन तो बरसों पहले कर दिया ना, विदाई की बेला तो उन्होंने जवानी में लिख दी थी ना। बड़े दादा के द्वारा लिखी गई ये जो पुस्तक है विदाई की बेला, आपने पढ़ी क्या जैन साहब कभी? पुस्तक बहुत मार्मिक है,
मैंने भी कोई 25 साल पहले पढ़ी थी, इतनी मार्मिक पुस्तक है। हाँ पढ़ने योग्य है वो किताब। कौन सी उम्र में लिखी उन्होंने? 40 साल की उम्र में। अब 40 साल की उम्र में उन्होंने जो चिंतन प्रस्तुत किया, वो चिंतन कौन सा था? बुढ़ापे का। वो चिंतन कौन सा था? विदाई के समय का, जब हमारी अंतिम विदाई होगी। तो अंतिम विदाई के समय हमारे कैसे परिणाम होने चाहिए, ये निर्णय तो जवानी से कर रहे हैं। अब किस बात की तकलीफ होगी बताओ? ये जिस व्यक्ति ने युवा अवस्था से, बाल्य अवस्था से अपने जीवन भर समाधि, सहजता और इन सब बातों का निर्णय कर लिया हो, अब दुनिया की कौन सी परिस्थिति उन्हें दुखी करे? ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का ऐसा चिंतन होता है, लेकिन पक्का निर्णय रहता है तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को। सम्यक दृष्टि नहीं है तो निर्णय में थोड़ी सी कचावट रहती है। हो सकता है मिथ्या दृष्टि जीवों के भी निर्णय हो सकता है, आगम आधार से होगा, लेकिन शास्त्र आधार से होगा। और बार बार में चोट पड़ी है ना, इसलिए वो निर्णय है। अंदर में मान्यता अभिप्राय नहीं बदला, लेकिन तो भी मैं तो यहां तक कहता हूं, विचार और विकल्पों में भी, विकल्पात्मक दशा में भी, जब ये परद्रव्य सुखी दुखी नहीं करता यह बात आ जाती है, तो कितनी शांति मिलती है। विकल्पात्मक भूमिका में आई साहब ये बात, विकल्पों में इतनी सी बात आ गई कि यार मैं क्यों इससे दुखी हो रहा हूं, जो होना था भूल गया ना, आप क्या क्या विकल्प कर रहे हो। ये सहजता वाली बात है ना, आप कितने सहज हैं। आपके विकल्पों में ये बात आ गई कि ठीक है ये ऐसा ही होना था, ये ऐसा ही हो गया, तो ये बात ध्यान में आते ही आपकी कषाय मंद हो जाती है ना, आपके परिणामों में निर्मलता आ जाती है ना, एक क्रमबद्ध का विचार आती, आकुलता गायब होती हुई दिखाई देती है ना। तो जिसके विकल्पों में ये बात आते ही ये कषाय मंद होती हुई नजर आती है, तो जिस व्यक्ति के अंतरंग श्रद्धान में ये बातें उतर गई हो, उसका जीवन कितना पवित्र और निर्मल होगा। देखिए अंदर में तो जीवंधर कुमार को भी ऐसा ही निश्चय था कि परद्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है, ये राज्य मिला है, नई शादी हुई है, बरसों से विवाह ये राज्य की प्रतीक्षा थी और ये आज राज्य प्राप्त हो गया। और ये साहित्यकार कह रहे हैं इसलिए आनंद है, तो बात को खोल दिया भैया, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव थे, अंदर में तो निर्णय उनको भी है। हाँ ये बाहर में आपको प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर में प्रसन्नता का हेतु कुछ और है। देखिए जीवंधर कुमार और काष्ठांगार में अंतर का निरूपण, अरे तो साहित्यकार हैं, बात लिखते चले जाते हैं, जब जैसा विकल्प आता है, और इनका विकल्प आया देखो, एक जीवंधर कुमार की प्रसन्नता है अंदर से, राज्य मिल गया। एक जीवंधर कुमार जिसने सारे नगरवासियों के लिए 12 वर्ष का टैक्स फ्री कर दिया, 12 वर्ष टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। ये जीवंधर कुमार जिन्होंने सबको योग्यता के अनुसार अच्छे अच्छे पदों पर आसीन कर दिया, और दूसरी तरफ बोले वो काष्ठांगार, उसने क्या किया था? अंतर देखो दोनों में क्या है, देखें जरा। लब्ध्वा राज्यमयं राजा रेजे सर्व गुणैरपि काचो हि याति वैगुण्यं गुण्यतां हरगोमणिः। क्या कह रहे हैं यह महाराजा जीवंधर कुमार, राज्य को प्राप्त करके सब गुणों से भी शोभायमान हुए। क्या? एक तो राज्य प्राप्त कर लिया, दूसरा सारे गुणों से शोभायमान हुए। निश्चय से हार में पिरोया हुआ कांच बुरा प्रतीत होता है, किंतु उसके स्थान पर पिरोई हुई मणि शोभा को प्राप्त होती है। अर्थात सर्वगुण संपन्न जीवंधर कुमार को राज्य की प्राप्ति सुवर्ण में सुगंध की तरह हुई। मैं काष्ठांगार कहाँ आया इसमें? काष्ठांगार की तो बात आई नहीं इसमें कहीं भी, अन्वयार्थ में तो नहीं है। अब ये सरल विशेषार्थ करते समय इन्होंने व्याख्या में उसको जोड़ दिया, उसका अंतर, क्योंकि यहाँ जीवंधर कुमार को
रत्न के समान कह दिया, सर्वगुण संपन्न हो गए में राज्य तो प्राप्त हुआ ही, और राज्य प्राप्त करने के बाद उनकी योग्यता और अधिक निखर गई। देखो क्या होता है, योग्य व्यक्ति होते हैं, योग्य व्यक्तियों को दी गई सुविधाएं उनकी योग्यता में और अधिक वृद्धि का कारण होती है, ऐसा नियम है। अयोग्य व्यक्तियों को दी गई सुविधाएं वे उनके पतन का कारण होती है। अयोग्य व्यक्ति को यदि आपने सुविधाएं दे दी तो काम नहीं करेगा, वो सुविधाओं में मस्त रहेगा। और किसी योग्य व्यक्ति को आपने सुविधाएं प्रदान की तो उन सुविधाओं का प्रयोग करके वो और अधिक विकास करेगा, काम को बढ़ाएगा, उन्नति तरक्की प्रसिद्धि करेगा। तो जीवंदर कुमार जब योग्य तो थे, योग्यता तो थी, अब राज्य मिल गया, तो राज्य मिल जाने पर उनकी योग्यता में कितनी वृद्धि हो गई। और ये कह रहे हैं न केवल राज्य मिला, अंदर में वेद विज्ञानी भी थे, अंदर की तो वो योग्यता, और बाहर में राज्य मिल जाना ये सुविधाएं। तो मणि कांचन योग जैसे कह रहे हैं यहां, जैसे आप क्या कहते हैं वो सर्वार्थ सिद्धि योग है, मणि कांचन योग कहते हैं ना, ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग करते हैं। हार में पिरोया हुआ कांच बुरा प्रतीत होता है। अब ये कांच की तुलना तो जीव उसके काष्ठांगार के साथ में करेंगे। हार में पिरोया हुआ कांच बुरा प्रतीत होता है, प्रतीत होता है, अच्छा बुरा तो क्या है, तुम कांच के टुकड़े भी गले में पहन करके आओ तो किसको बुरा लगेगा, कुछ नहीं, खुद ही सोचता है वो जो बात अपन ने पीछे की है, हैं? अब पहचान लेगा तो जोरी दुखी थोड़ी ना होगा, पहचान लिया बस ठीक है, पहचान लो तो पहचान लो, अब उसमें क्या है, मेरे यहाँ 6 बाल सफेद हो रहे हैं, कांच में देखा तो मुझे दिखे, आपको भी दिख गए, देख लिया आपने भी देख लिया तो क्या हो गया, व्यक्ति डरता है कि दिखे नहीं जाए, दिखे नहीं, और किसी को दिख गए तो उसने क्या कर लिया तुम्हारा, कुछ नहीं, थे तो थे, उसमें क्या है। देखो क्या कह रहे हैं, जैसे नीचे पढ़ रहा हूं मैं, वो तो हो गई ना ऊपर बात, फिर वही मणि शोभा को प्राप्त होती है, अर्थात सर्वगुण संपन्न जीवंदर कुमार को राज्य की प्राप्ति सुवर्ण में सुगंध है, सोने में सुगंध, कहावतें जो चलती है यहां से निकली हुई है सारी कहावतें, सोने में सुगंध, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, ये सारी जो कहावतें जगत में प्रसिद्ध है ये सब इन नीतियों से निकली हुई है। जैसे नीचे सरल अर्थ, जैसे मणियों के हार में गूंथे जाने पर कांच को मणियों के हार में गूंथ दिया, टोडरमल जी ने लिखा ऐसा, सच्चे मोती और झूठे मोतियों की झलक नहीं मिलती, ऐसा लिखा उन्होंने टोडरमल जी ने, शास्त्र की प्रामाणिकता स्टार्टिंग का प्रकरण है पहले अध्याय का मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, उसमें उन्होंने लिखा, किसी ने प्रश्न किया कि साहब आप नई बातें लिख रहे हो, इनमें कोई बातें हो गई गलत हो गई तो, उन्होंने कहा गलत क्यों लिखेंगे, सोच समझ करके लिखेंगे, प्रश्न उठाया कि सोच समझ करके तो लिखोगे तो भी क्षयोपशम ज्ञान है, कोई बात गलत प्ररूपण हो गया तो क्या होगा, तो और आप जैसे कई लोग हैं, कोई भी बनाता है कोई भी लिखता है, किस किस की बात को सच्चे और झूठे का निर्णय कैसे करें, तो उन्होंने जवाब दिया कि सुनो, जिस तरह से सच्चे मोतियों में नकली मोती मिला देने पर उनकी आपस में झलक नहीं मिलती, उनकी शाइनिंग में भिन्नता दिखाई देती है, वो अलग ही दिखते हैं, वो पकड़ में आ जाते हैं, उसी तरह से भगवान महावीर स्वामी की वाणी वीतरागी दिगंबर संतों के माध्यम से चली आती हुई हम तक आ गई है, और ये चले आते हुए अब यदि कोई व्यक्ति यदि इसमें बीच में कुछ मिला देवे, कुछ मिश्रण कर देवे अपनी बातों को, तो वो बातें अलग ही दिखाई देगी। वीतरागता की परंपरा में यदि कहीं राग की बातें मिला दी गई है तो वे तो अलग स्पष्ट दिखती है। जहां अहिंसा को परम धर्म कहकर के पुकारा हो, जहां परम अहिंसा की चर्चा की हो, और वहां कोई व्यक्ति
हिंसा का पोषण करने वाली बातें मिला दे वे, तो स्पष्ट समझ में आती है ना कि यार ये प्रक्षिप्त है, ऊपर से मिलाई हुई है, ये बात सच्ची नहीं। ऐसी बात यहां भी समझ लेना, मणियों की माला गूंथी जा रही थी और कांच उसमें मिला दिए, शोभा को प्राप्त नहीं होता, किंतु मणि ही सुशुभ होती है। वैसे ही जिस राज्य को पाकर दुष्ट काष्ठांगार ने मात्र निंदा ही प्राप्त की थी, काष्ठांगार को सिर्फ निंदा ही मिली उस राज्य को प्राप्त करके, उसी राज्य को प्राप्त कर विद्वान एवं सद्गुणों से अलंकृत जीवंधर कुमार सब लोगों के प्रशंसा के पात्र बन गए हैं। क्या सब लोगों के, वो उसको देखो कहते हैं ना, मूर्ख व्यक्ति के हाथ में तलवार दे दी तो क्या करेगा, वो विध्वंस करेगा, और अच्छे व्यक्ति के हाथ में दे दी गई, सज्जन व्यक्ति के हाथ में, तो प्रगति करेगा। गलत व्यक्ति को यदि आपने राजा बना दिया तो सब विध्वंस कर देगा, तहस नहस कर देगा, और सही व्यक्ति को बनाए चुन करके बनाया है वो अपनी दृष्टि से वो आप सही काम करेगा। तो ये राज्य प्राप्त करते ही इसने क्या किया, विद्वान एवं सद्गुणों से अलंकृत जीवंधर कुमार इसको सब लोगों के प्रशंसा के पात्र बन गए, इन्होंने इतना उत्कृष्ट यहां कार्य किया। देखिए विशेषार्थ, यहां ग्रंथकार आचार्य श्री वादीप सिंह ने दुष्ट काष्ठांगार को कांच के टुकड़े जैसी निर्मूल्य वस्तु की और विद्वान तथा गुणवान राजा जीवंधर कुमार को अति मूल्यवान मणि की उपमा देकर उनके महत्व को स्पष्ट किया है। भाई विद्वान सर्वत्र पूज्य थे, सद्गुण देखिए, जिस व्यक्ति में गुण होते हैं उनको बखान करने की जरूरत नहीं होती। गुणवान व्यक्ति तो अपने घर से बाहर निकलेगा और उसके गुणों की सौरभ वो महके बिना नहीं रहेगी, ये सहज ही है। तो जिसका अंतरंग अपने स्वभाव के अंतरंग की सौरभ से महक रहा हो, जिसका अंतरंग इतना उज्जवल हो उसका बहिरंग भी उज्जवल होगा ही होगा। जिनके अंतरंग में पवित्रता होती है उनके बहिरंग में भी पवित्रता हुए बिना नहीं रहती। ये अंतरंग से बहिरंग का इसी प्रकार का सुमेल है, व्याप्ति है इस तरह की। बाहर में हो तो अंदर में हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अंदर में जो वेद विज्ञानी है अलिप्त रहते हैं, डिटैचमेंट रहता है उनका, भिन्न रहते हैं उससे, जलते भिन्न कमल हैं। ये दशा जिन ज्ञानियों की होती है उनके माध्यम से जगत में भी जीव सुख शांति और चैन का अनुभव करते हैं। जीवंधर कुमार को राज्य मिल जाने से सारे नगरवासी अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगे। ये जीवंधर कुमार के महत्व को यहाँ स्पष्ट किया और काष्ठांगार की हीनता को व्यक्त किया। तो ये बात नीतिकारों ने कह दी कि यदि आप में सद्गुण होंगे तो आप चमकते रहेंगे, और आप अपने में सद्गुणों का विकास करके चमकते रहें, इसी भावना से मैं बात को यही विराम।